सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जी पी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो नमस्ते दोस्तों आज भी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सी बुक से स्टडी करें सर क्लास टेंथ में क्लास ट्वेल्थ में सर पेपर कौन सी बुक से बन के आएगा टर्म टू का देखो गाइज मैं आप सभी को एक एक्चुअल में बात बताऊँ पेपर वगैरह बनता है एन बुक से लेकिन आप सभी को ये नहीं पता कि पेपर में क्वेश्चन बनते कैसे हैं मतलब आपके सामने अगर लाइन रख देंगे ना उस लाइन में से क्वेश्चंस कैसे आएगा वो भी आपको समझ नहीं आएगा एग्जांपल बहुत सिंपल है आपके सामने अगर कच्ची सब्जियां रख देंगे आपको अगर नहीं पता कि खाना कैसे बनता है तो आपके सामने वो कच्ची सब्ज़ियों का कोई काम नहीं है आप उनसे खाना नहीं बना पाओगे वो आपकी मदर अच्छी तरह से जानती है उनको आता है तो जिनको आता है वही कर सकते आपकी वो कच्ची सब्ज़ियाँ कोई काम की नहीं है और ये बात अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि एन सी आर आप स्टडी करो लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी हेल्प बुक की क्योंकि हेल्प बुक आपको प्रॉपरली गाइड करेगी वो आपको बताएगी पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं स्कूल्स में आपके टीचर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए होंगे उनको भी स्टडी करो आपके स्कूल में जो भी प्रोवाइड किया गया उनको तो स्टडी करनी है आपको बट थोड़ी हेल्प बुक का भी यूज़ करो काफ़ी सारे मार्केट में हेल्प बुक अवेलेबल है मैंने बहुत सारी हेल्प बुक आपको सजेस्ट कर रखी है जो आपके बजट में हो उसका यूज करो अगर आप पहले से पढ़ी तो उसका यूज करो एन बेस बनाओ लेकिन थोड़ा हेल्प बुक का भी आप हेल्प लो क्योंकि आजकल सी बी बोर्ड के पेपर बिल्कुल सिंपल नहीं आ रहे ईजी है बट टिपिकल है कान सीधा नहीं पकड़ रहा वो बाकी कौन सी पेपर कौन सी बुक से बन रहे इसकी जानकारी जैसे ही मेरे पास आती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना अपने फेमिली नेक्स्ट वीडियो में तब तक आसिंग के प्रो सेफ रहो अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए मार दीजिए क्यों कष्ट हो रहा है आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए